बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ISP ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। टुडे इज लेक्चर नंबर 11 फॉर द कोर्स ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन 2। दिस कोर्स इज जनरली फॉर BSc सिविल इंजीनियरिंग। आई माई सेल्फ इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद असलम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान। टुडे इज लेक्चर नंबर 11 एंड वीक नंबर 11। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज पार्शियल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस और प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज। कि जब हम एक मेंबर को प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, मेंबर के अंदर इंड्यूस कराते हैं, तो मेंबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो समहाउ रिकवर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा भी चुका होता है। सर्टेन लेवल तक वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। तो उस वैल्यू को बेसिकली हम इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग वैल्यू और जो फाइनल आफ्टर फ्यू ईयर्स वो जितना रिकवर हो जाता है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, उस वैल्यू को बेसिकली हम लॉस कंसिडर करते हैं। और लॉसेस के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमने प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट को डिस्कस किया, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट। उसके बाद हमने प्रीस्ट्रेसिंग के डिफरेंट मेथड्स, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग मेथड्स डिस्कस किए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टेंडन प्रोफाइल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। कि डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वेजेस क्या होती हैं, एंकरेजेस क्या होते हैं, प्री स्ट्रेसिंग के लिए कौन कौन सी असेंबलीज और डिवाइसेस की ज़रूरत होती है हमें। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस भी डिस्कस की है। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स जो कि हम नॉर्मली प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर डिस्कस करते हैं या यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इज प्री स्ट्रेसिंग स्टील भी हमने डिस्कस किया। And what are the codes and standards which are suggested for the any type of pre-stressing steel जो हम utilize करते हैं, उसके लिए हमारे पास specifications and guidelines क्या होती हैं। So in our today's lecture we will discuss about the partial loss of pre-stress or pre-stressing losses। कि losses basically किस तरह से emerge होती हैं, किस तरह से हमारी जो एक level of pre-stressing है उसको affect करते हैं, इन चीज़ों को हम discuss करते हैं आज। तो सबसे पहले व्हाट इज प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस क्लास कि प्री स्ट्रेस बेसिकली इज टू इंड्यूस अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और इंटरनल स्ट्रेसेस इनटू द मेंबर, जिसकी वजह से मेंबर जो है, जब आप इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस कराते हैं, मेंबर अपनी एक जो है वो नेगेटिव स्ट्रेसेस की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कैम्बर जनरेट करता है। क्योंकि उसके जो नॉर्मल रिइंफोर्स कॉन्क्रीट के अंदर जो अपवर्ड फाइबर है, टॉप फाइबर है बेसिकली, वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस शो करा रहा होता है और बॉटम फाइबर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस फेस कर रहा होता है। लेकिन प्री स्ट्रेसिंग की वजह से हमारी जो नीचे वाली जो टेंसाइल फाइबर स्ट्रेसेस हैं बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस के ऊपर, वो शिफ्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स द अपवर्ड फाइबर स्ट्रेसेस। इस वजह से जो हमारा अंडर फुली सर्विस लोडिंग कंडीशन हमारा जो मेंबर है वो एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर फेस करता है उन लोडिंग्स को, एक उसकी लोडिंग के लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसकी सर्विसेबिलिटी, उसकी जो एक परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। सो व्हाट इज प्री स्ट्रेस लॉसेस। इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड टू द कंक्रीट एलिमेंट्स अंडरगोज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऑफ अ रिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स। कि एक इसका सिंपल एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक बंदा अपने दोनों हाथों से एक रबर, इलास्टिक रबर जो है उसको खींचता है, फुल एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है। अब उसको कहा जाए कि आप इस पुलिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद दोनों हाथों को आप एक सिग्निफिकेंट एक लेवल ऑफ जो आपने खींच रखी है उस लेवल के ऊपर आप उसको कंटिन्यूसली खींच के रखें, तो सर्टेन लेवल या सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होगा कि उसके दोनों हाथ जो है वो कांपना स्टार्ट कर देंगे और एक एक क्योंकि रबर का जो प्रेशर है वो उसको थका देता है और वो वापस एट द एंड वो रिलीज कर देता है या रबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमारा जब प्री स्ट्रेसिंग टेंडन जब हम इंड्यूस कराते हैं किसी भी कॉन्क्रीट के एलिमेंट के अंदर, तो वो एलिमेंट या प्री स्ट्रेसिंग बार वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा होता है और समहाउ वो चला भी जाता है। तो जो एट द टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग हमने वैल्यू प्रोवाइड किया था, दैट प्री स्ट्रेसिंग लेवल या इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग वैल्यू, और कुछ अरसे के बाद जो रिकवर हुआ या वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाने में जो लॉसेस डेवलप हुए, उन वैल्यूज को बेसिकली हम लॉसेस कंसीडर करते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। कि जब आप एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट को आपने एक डिज़ाइन एज स्पेसिफिकेशंस के तहत जब आपने एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया, तो लेवल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग आपने डिसाइड उस तरह से करनी है कि यू हैव टू कंसीडर द प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस।
अदरवाइज अगर आप प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस को कंसीडर नहीं करते तो जो आपने लेवल प्रोवाइड किया है वो आफ्टर फ्यू ईयर्स वो लॉसेस की वजह से उसकी लेवल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग रिड्यूस हो जाती है और मेंबर जो पर्पस था वो पर्पस अचीव नहीं कर पाता और वो वेरी कर रहा होता है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कि आपने ये सारी स्टेजेस कंसीडर करनी होती है वाइल डिजाइनिंग वाइल कंसीडरिंग एनी टाइप ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट एलिमेंट। सो लॉस इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल प्री स्ट्रेस एंड द इफेक्टिव प्री स्ट्रेस। इनिशियल प्री स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग और कुछ अरसे के बाद जो इफेक्टिव प्री स्ट्रेस बच जाती है उस एलिमेंट के अंदर वो प्री स्ट्रेस दोनों के दरमियान जो एक रेशो है या दोनों के दरमियान जो वैल्यू के अंदर डिफरेंस है दैट डिफरेंस बेसिकली इज नोन एज अ प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस। अब प्री स्ट्रेस लॉसिंग के क्या क्या मजीद टाइप्स हैं या वो किस तरह से स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। द लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अफेक्ट द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो टोटली रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस। एंड सेकेंडली इट अफेक्ट द सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। सर्विसिबिलिटी किस तरह से इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस कि हमारा जो पर्पस था पर्पस क्या था कि टेंसाइल जो स्ट्रेसेस हैं बॉटम फाइबर के ऊपर उनको प्री स्ट्रेसिंग शिफ्ट करता है फ्रॉम द बॉटम फाइबर टू द अपवर्ड फाइबर टू द टॉप फाइबर क्योंकि नेगेटिव कैम्बर जनरेट हो रहा है। तो ये स्ट्रेसेस बेसिकली आपके जब रिड्यूस हो गए तो आपका पर्पस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग खत्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है सिग्निफिकेंटली। एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग प्री स्ट्रेसिंग का जो पर्पस होता है वो हमारी अंडर सर्विस लोडिंग हम क्रैकिंग को अवॉइड करते हैं। वो क्रैकिंग जो है वो सर्विस लोडिंग के बाद एक्स्ट्रा लोडिंग जब वो कैरी कर रहा होता है तब क्रैकिंग जनरेट हो सकती है। अगर आपकी लेवल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की गई लॉसेस ज़्यादा जनरेट हो गए तो क्रैकिंग आपकी अंडर सर्विस लोडिंग भी अपीयर हो सकती है। देन वी हैव अ कैम्बर एंड डिफ्लेक्शन। कैम्बर जो नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो कैम्बर जनरेट हो रहा है जो डिफ्लेक्शन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है अफेक्ट हो जाती हैं। नाउ एसेंशियली द रिडक्शन इन द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज के प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस को दो कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर वन कैटेगरी इज द इमीडिएट लॉसेस। इमीडिएट लॉसेस वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्रेसिंग कि जैसे आपने प्री स्ट्रेसिंग अप्लाई की उसी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान कोई लॉसेस अपियर हो जाए दैट लॉसेस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इमीडिएट लॉसेस। Occur during the fabrication or construction process, pre-stressing of tendons and transfer of pre-stress to the concrete member. कि जब आप लगा रहे हो जिस वक्त आप pre-stressing प्रोवाइड कर रहे हो जिस वक्त आप pre-stressing को ट्रांसफर कर रहे हो into the concrete member, exactly उसी टाइम के ऊपर अगर pre-stressing का कोई लॉस अपियर हो जाए that comes in the category of immediate losses. उसके अंदर मजीद हमारे पास immediate losses की categories क्या हैं? Elastic shortening of concrete, anchorage losses and frictional losses. ये तीनों जो कैटेगरीज हैं या तीनों जो लॉसेज हैं ये कम आते हैं आपके इमीडिएट लॉसेज के अंदर। देन सेकंड इज द टाइम डिपेंडेंट लॉसेज जिसके अंदर आपका एक लॉन्गर टाइम चाहिए लॉन्गर रन एक पीरियड चाहिए जो कि लॉन्गर रन पीरियड आपके प्री स्ट्रेसिंग को डैमेज करता है या अफेक्ट करता है उसकी लेवल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग को रिड्यूस करता है। टाइम डिपेंडेंट लॉसेज बेसिकली आर क्रीप एंड श्रिंकेज जो कि दोनों कॉन्क्रीट से कनेक्टेड हैं। कॉन्क्रीट जो है बेसिकली विद द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर रन के अंदर लॉन्गर पीरियड के अंदर कॉन्क्रीट के अंदर डिफॉर्मेशन आती हैं चेंज आती है तो टाइम डिपेंडेंट लॉसेज जो है वो ड्यू टू क्रीप भी हो सकती हैं ड्यू टू श्रिंकेज भी हो सकती हैं एंड ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर ऑन द स्टील। स्टील के अंदर जो टेम्परेचर या एक लॉन्गर रन पीरियड की वजह से स्टील इटसेल्फ रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है और उस रिलैक्सेशन की वजह से लॉसेज जनरेट होती हैं दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टाइम डिपेंडेंट लॉसेज। तो तीन टाइप्स हैं हमारे इमीडिएट लॉसेस के अंदर और तीन जो टाइप्स हैं वो है हमारे टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के अंदर। नाउ व्हाट आर द टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइम कि प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस के कौन से टाइम के हिसाब से कौन से टाइप्स हैं वो दो किस्म हैं जैसे हमने डिस्कस किया इमीडिएट लॉसेस हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं कि टाइम से रिलेटेड प्री स्ट्रेसिंग के जो इमीडिएट लॉसेस हैं वो कौन से इलास्टिक शॉर्टनिंग है फ्रिक्शन है एंड क्रीप है और टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के अंदर आपका क्रीप आ जाता है श्रिंकेज आ जाता है एंड रिलैक्सेशन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल कि लॉसेस जो है कॉन्क्रीट की वजह से कौन से होते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है क्रीप होता है और श्रिंकेज होता है ये तीनों जो है वो लॉसेस कॉन्क्रीट की वजह से डेवलप होती हैं और जो स्टील की वजह से लॉसेस डेवलप होती हैं दैट आर फ्रिक्शन एंकरेज स्लिप एंड स्टील रिलैक्सेशन। तो तीनों जो दोनों मटेरियल्स हैं वो तीन तीन डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लॉसेस प्रोड्यूस करवाते हैं एलिमेंट के अंदर और ये कंपोजिटली ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। नाउ लॉसेस इन वेरियस प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम्स
कि जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल बात करें इलास्टिक शॉर्टनिंग की, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग जो है वो आपका प्री टेंशनिंग के केस के अंदर भी होता है और समहाउ प्री पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर भी इलास्टिक शॉर्टनिंग हो सकती है। ये इलास्टिक शॉर्टनिंग बेसिकली किस तरह से नहीं हो सकती प्री पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर, नो इफ ऑल द केबल्स आर साइमल्टेनियसली टेंशन, कि अगर आपके तमाम जो केबल्स या टेंडन्स हैं उनको एक ही वक्त के ऊपर अगर आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करके टेंशनिंग अप्लाई कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस जो है वो पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर वायर्स को आप वन बाय वन करके या 2x2 पेयर्स के अंदर अगर आप उनके अंदर पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस केस के अंदर भी पोस्ट टेंशनिंग मेथड के अंदर भी इलास्टिक शॉर्टनिंग अपीयर होती है। एंकरेज सिर्फ प्री टेंशनिंग के अंदर पॉसिबल नहीं होता, फ्रिक्शन लॉसेज भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग के अंदर ये दोनों लॉसेज जो है वो अपीयर होते हैं। क्री टेंशनिंग के दोनों केसेस के अंदर अपीयर होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी दोनों केसेस दोनों मेथड्स के अंदर ये अप्लाई होता है अपीयर होता है, कहने का मकसद। So, what are the AASHTO LRFD specifications? के AASHTO और LRFD specifications क्या कहती हैं? For lump sum estimates, following conditions should be met. कि first condition आपकी कम से कम क्या होनी चाहिए? कि members that are post-tension members must not be a segmental, continuous members with a spans less than 160 feet and concrete stressed at an age of 10 to 30 days. कि कम से कम पोस्ट टेंशन नॉन सेगमेंटल मेंबर्स जिनकी लेंथ अगर आप कम से कम जो है वो 160 फीट तक प्रोवाइड कर रहे हो और कंक्रीट के अंदर आप टेंशनिंग जो जनरेट कर रहे हो कम से कम 10 से 30 डेज के दरमियान स्ट्रेसिंग डेवलप करनी चाहिए। सेकंड, इन प्री टेंशनिंग केस के अंदर अगर आपकी जो कंक्रीट है उसके अंदर आप टेंशनिंग डेवलप कर रहे हो, प्री स्ट्रेसिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, कम से कम जो है वो कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ 3500 psi तक अचीव कर चुका हो, उसके बाद आप स्ट्रेंथ या प्री स्ट्रेसिंग जो है वो डेवलप करें। मेंबर्स मस्ट बी मेड फ्रॉम द नॉर्मल वेट कंक्रीट, क्योंकि अभी तक जो बाकी अदर टाइप्स ऑफ कंक्रीट्स हैं, लाइट वेट कंक्रीट हो गया, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हो गया, जो आपके अदर एडमिक्सचर्स या मिनरल एडमिक्सचर्स यूज करके जो कंक्रीट बनाए जाते हैं उन केस के अंदर जो है वो स्टिल अ लॉट ऑफ रिसर्च की जरूरत है, ज्यादातर एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। मेंबर्स के नॉट बी स्टीम क्योर्ड और नॉट मॉइस्ट क्योर्ड, ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर आप एक जो प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो, एंकरेजेस वगैरह लगी हुई है, तो उस केस के अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द क्योरिंग मेथड, कि डायरेक्टली आपने पानी अप्लाई नहीं करना या स्टीम क्योरिंग या क्योरिंग जो है वो टेम्परेचर अप्लाई नहीं करना स्टीम का, क्योंकि ये हमारे जो टेम्परेचर है या वाटर है या कि जो स्टील टेंडन्स है बेसिकली प्री स्ट्रेसिंग स्टील है उसको वो डैमेज कर सकता है, वहां पे हमारे पास अदर मेथड्स भी हैं क्यूरिंग के, उनको हम यूज कर सकते हैं। द प्री स्ट्रेसिंग स्टील मस्ट बी अ नॉर्मल और लो रिलैक्सेशन स्टील, कम से कम जो स्टील आप यूज कर रहे हो वो लो रिलैक्सेशन स्टील होना चाहिए, एंड देन देयर मस्ट बी एन एवरेज एक्सपोजर कंडीशन एट द साइट, कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, कम से कम जो है वो डायरेक्टली सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो हमने अवॉइड करना है इन केस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग या पोस्ट टेंशनिंग मेंबर्स जो आप बना रहे हो या प्री टेंशनिंग मेंबर्स बना रहे हो उस केस के अंदर। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन हैं AASHTO की तरफ से, रिकमेंडेड वैल्यूज हैं या रिकमेंडेड सजेशन हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली फॉर एवरेज स्टील एंड कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज टेबुलेटेड परसेंटेजेस मे बी टेकन एज अ थम रूल लॉसेज वैल्यूज हम डायरेक्टली अडॉप्ट भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली जो है वो मेथड या जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस नहीं कर रहे तो थम रूल्स के जरिए आप लमसम वैल्यूज को भी चूज कर सकते हैं। इवन इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग लमसम वैल्यू सजेस्टेड हियर आर फॉर इलास्टिक शॉर्टनिंग वी हैव 4% इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग एंड 1% इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। ये नॉर्मल लॉसेस हैं जो थम रूल है, या एक किस्म का यूं समझ लो कि लमसम लॉसेस जो बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंस रिसर्चर्स की तरफ से या इंजीनियर्स या डिजाइनर्स की तरफ से सजेस्टेड वैल्यूज है। क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट 6% इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग एंड 5% इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, श्रिंकेज 7% एंड 6%, स्टील रिलैक्सेशन 8% एंड 8% इन बोथ मेथड्स, एंड टोटल लॉसेज ड्यू टू जो इन प्री टेंशनिंग मैथड बेसिकली इन तमाम मैकेनिज्म्स की वजह से टोटल लॉसेज जो है वो प्री टेंशनिंग में 25% होते हैं और पोस्ट टेंशनिंग के अंदर लमसम लॉसेज जो है वो 20% तक भी ऑब्जर्व किए गए हैं। तो ये थे हमारे पास थम रूल के हिसाब से जो वैल्यूज थी, लमसम वैल्यूज थी, हम डायरेक्टली भी चूज कर सकते हैं किसी भी डिजाइन के अंदर। लेट सपोज कंसीडर 20% लॉसेज इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग या 25% इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग, लेकिन एज ए इंजीनियर हमें एक्यूरेट मेथड्स भी पता होने चाहिए कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दीज टाइप्स ऑफ लॉसेज।
उसके बाद आज तो लम सम लॉसेस किस तरह सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अ टाइप ऑफ स्टील हमारे पास एक प्री टेंशनिंग स्ट्रैंड्स हैं। अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ अप टू 4000 psi है और अगर आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ अप टू 5000 psi है तो प्री टेंशनिंग स्ट्रेंथ जो स्ट्रैंड है उसके अंदर 45000 psi तक भी जो है वो लॉसेस जनरेट हो सकती हैं। और एक पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रैंड जो वायर या स्ट्रैंड के अंदर अप टू 32000 नॉर्मल कंक्रीट के लिए और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 33000 psi तक लॉसेस जनरेट हो सकता है। और बार्स के अंदर 22000 और 23000 तक जो है वो लॉसेस जनरेट हो सकते हैं पॉसिबली। ये हमारे पास डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम द कोर्स एंड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आते हैं इमीडिएट लॉसेस के अंदर। अब हम जो मजीद लॉसेस हैं उनको एलिब्रेट करते हैं कि उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो किस तरह से होती हैं, किस तरह से वो रियल लाइफ के अंदर अप्लाई होते हैं एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट और एस्टिमेट दीज टाइप्स ऑफ लॉसेस। अब उसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग बेसिकली इज द शॉर्टनिंग इन द लेंथ। इट इज शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर। व्हेन द प्रीस्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्क्रीट द मेंबर शॉर्टन्स एंड द प्रीस्ट्रेसिंग स्टील ऑल्सो शॉर्टन्स। हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस। कि आप प्रीस्ट्रेसिंग के केस के अंदर, इस इमेज के अंदर आप देखें, इस प्रीस्ट्रेसिंग के केस के अंदर जैसे आपने प्रीस्ट्रेसिंग अप्लाई की दोनों तरफ से पुलिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद, यहां से आपने फिक्स कर दिया और यहां से भी आपने फिक्स करने के बाद आपने बार्स को कट कर दिया, तो प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेंबर को हो सकता है कॉन्क्रीट को कंप्रेस कर दे और इसके ओरिजिनल डायमेंशन जो है वो स्क्वीज हो जाए। तो इस स्क्वीज जो डायमेंशन कम हुए, जो डायमेंशन छोटा हो गया कॉन्क्रीट का मेंबर कंप्रेशन की वजह से, तो इस शॉर्टनिंग की वजह से जो मेंबर है आपका शॉर्ट हो गया और शॉर्ट हुआ मेंबर तो आपका प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन इटसेल्फ भी शॉर्ट हो गया। तो ये जो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग की वैल्यूज थी वो रिड्यूस हो गई आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग के केस के अंदर। दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। अब नाउ इलास्टिक शॉर्टनिंग इन प्री टेंशनड एलिमेंट्स। पहले जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड के ऊपर वो था जनरल इलास्टिक शॉर्टनिंग। अब प्री टेंशनिंग के केस के अंदर किस तरह से बिहेव करता है। इन प्री टेंशनिंग और प्रीकास्ट एलिमेंट्स द कंप्रेसिव फोर्स इंपोज्ड ऑन द बीम बाय द टेंडन रिजल्ट्स इन अ लॉन्गिट्यूडनल शॉर्टनिंग ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर। लेट सपोज वी हैव अ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स हियर और इसकी वजह से जब आपने प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स को ट्रांसफर किया इस मेंबर के अंदर एक सर्टन रिडक्शन अपीयर हुई, इसके डायमेंशन रिड्यूस हो गए, तो ओरिजिनल लेंथ जो थी और जो आपकी चेंज इन लेंथ अपीयर हुई, इन दोनों का जो रेशियो है दैट रेशियो विल बी कंसीडर्ड एज अ इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इन प्री टेंशन एलिमेंट्स। सो द स्ट्रेन बेसिकली इलास्टिक शॉर्टनिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विल बी कंसीडर्ड एज अ इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। अब ये शॉर्टनिंग की जो इक्वेशंस हैं इसी मेथड के हिसाब से डेवलप की गई कि इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। However, the elastic strain basically, strain क्या होती है? Strain आपकी एक Hooke's law का method हम use करते हैं, stress is directly proportional to strain. तो strain basically is equals to stress divided by modulus of elasticity. So elastic strain is equals to stress in the concrete fiber divided by modulus of elasticity of concrete. However, stress is equals to load over area, initial pre-stress load divided by area of cross section into modulus of elasticity of concrete. Furthermore, since the pre-stressing tendon suffers the same magnitude of shortening, अगर आपका पूरा concrete का element compress हो जाता है, उसके dimensions reduce हो गए, तो आपका pre-stressing tendon जो उसके अंदर लगा हुआ है, वो भी reduce हो जाएगा, short हो जाएगा. Therefore, the initial stresses due to elastic shortening in the pre-stressing tendon is equals to, यहाँ पे भी stress है, directly proportional to strain, और modulus of elasticity आपकी pre-stressing tendon की आ गई. However, the strain due to elastic shortening is equals to, ये हमारे पास यहाँ पे constant के values और equations थी, हमने इस equation के अंदर values को put किया, total जो modulus of elasticity of steel divided by modulus of elasticity of concrete जो एक modular ratio कहलाता है, जिसको हम n से represent कराते हैं, और pi over ac basically is a stress, so therefore the shortening की वजह से pre-stressing tendon के अंदर जो stresses develop हुई, that stress is equals to modular ratio into concrete stresses. अब मजीद स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील ड्यू टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग इज इक्वल्स टू माइनस पी इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम ऑलरेडी
इन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरल एक मैकेनिज्म है कि हम इक्वेशंस को किस तरह से ड्राइव करते हैं। मजीद हमारे पास जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज और इक्वेशंस और डिजाइन एग्जांपल्स भी हैं, उनके अंदर आपको मजीद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो इफ द टेंडन इन प्रीवियस फिगर हैज एन इसेंट्रिसिटी एट अ बीम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पिक्चर के अंदर चले जाएं, यहां पे आपको जो टेंडन नजर आता है ये एग्जैक्टली सेंट्रोइड के ऊपर है। लेट सपोज कंसीडर कि ये जो टेंडन है बेसिकली ये सर्टन इसेंट्रिसिटी के ऊपर है, ये सेंट्रोइड से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। इसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं ई डिस्टेंस के साथ, और इसकी वजह से जो सेल्फ वेट मूवमेंट्स हैं, अगर सेल्फ वेट मूवमेंट को भी हम कंसीडर करें, सो देयरफॉर द कंक्रीट के अंदर जो टॉप फाइबर स्ट्रेसेस इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू 1 प्लस ई स्क्वायर सेंटर डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन प्लस एम डेल लोड मूवमेंट इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपली हमने क्या कंसिडर किया कि जो सेंट्रोइड में से टेंडन गुजर रहा था उसको हमने सर्टन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई कर दिया। जो लेक्चर फोर के अंदर हमने डिजाइन एग्जांपल्स भी किए थे एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशंस हमने वहां पे भी यूज किए हैं। इवन सिमिलर इक्वेशंस हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल इक्वेशंस है। अब PI बेसिकली इज इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। अब होता यह है कि इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जो आपको चाहिए होती है मेंबर के अंदर या जिस वक्त आपने अप्लाई की, और दूसरी होती है जैकिंग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जिसको हम PJ से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग और जैकिंग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्सेस समटाइम्स जो है वो सिमिलर फोर्सेस होती हैं। एट द टाइम ऑफ जैकिंग फोर्स आपने अप्लाई किया, जैक्स के जरिए पुलिंग फोर्स अप्लाई किया, और सम केसेस के अंदर इनके दरमियान जो है वो 10% तक फर्क भी होता है। तो जनरली इसके अंदर मजीद डिटेल्स थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की हुई हैं, जैकिंग स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इनिशियल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लीजिएगा, दिस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कि हमारे पास इलास्टिक शॉर्टनिंग का एक एग्जाम्पल है इन द केस ऑफ प्री टेंशन बीम्स। लेट सपोज वी हैव अ प्री टेंशन बीम और उसके अंदर जो है हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस कैलकुलेट करना है। हाउ वी कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ लॉस? अ प्री टेंशन बीम हैज अ स्पैन ऑफ 50 फीट एज शोन इन फिगर। फॉर दिस बीम द डिटेल्स बेसिकली आर कि इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फाइनल 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 6000 PSI। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, जो टेंडन यूज हो रहा है प्री स्ट्रेसिंग के लिए उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 270,000 PSI। लेकिन इसकी जो 28 डेज स्ट्रेंथ थी वो 6000 PSI है। FC डैश बार बेसिकली इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिस टाइम हमने प्री स्ट्रेसिंग को अप्लाई किया उस एलिमेंट के अंदर, उस वक्त हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ थी वो 4500 PSI थी। यानी ये तो हमारे पास 28 डे कंप्रेसिव हो गई स्ट्रेंथ, और ये लेट सपोज हमने 14 डेज या 18 डेज या जो है हमने 15 डेज के ऊपर हमने जो है वो प्री स्ट्रेसिंग अप्लाई कर दी, उस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ थी कंक्रीट की वो 4500 PSI थी। और जो हम प्री स्ट्रेसिंग बार जो यूज कर रहे हैं वो 10 बेसिकली 10 वायर्स हैं, 7 वायर स्ट्रेंथ टेंडन की, जिसकी एक वायर का जो डायमीटर होता है बेसिकली वो 1/2 inches होता है। अब स्टैंडर्ड की तरफ से 7 वायर स्ट्रैंड का जो एरिया होता है हाफ इंच डायमीटर का वो 0.153 inch होता है। 10 टोटल वायर्स लगी हुई हैं हमारे पास, और 10 × 0.153 inch, यानी ओवरऑल जो एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग है बेसिकली वो 1.53 inch लगा हुआ है इस एलिमेंट के अंदर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग स्टील बेसिकली इज 27 × 10^6 PSI। ये हमारे पास सारी ड्रिल्स हैं, ये आपके पास एक पिक्चर नजर आ रही है। एक एलिमेंट था, एक स्ट्रक्चरल बीम है, 50 फीट इसकी लेंथ है, और इसके अंदर हार्ट शेप के अंदर जो है वो आपका एक टेंडन प्रोफाइल है जिसके अंदर से आपने टेंडन प्रोवाइड किया है। और जो हमारा क्रॉस सेक्शन है बेसिकली वो 15 inches by 30 inches डेप्थ है, यानी कि जो सेंट्रोइड रीजन के अंदर जहां से हमने कट किया है तो प्री स्ट्रेसिंग टेंडन जो गुजर रहा है वो बॉटम से डिस्टेंस जो है वो 4 inches का है। अब इसेंट्रिक डिस्टेंस हमारे पास यहाँ में अभी तक गिवन नहीं है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसेंट्रिक डिस्टेंस क्या होता है? सेंट्रोइड से लेके जहां तक आपका प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन गुजर रहा है। कैलकुलेट द कंक्रीट फाइबर स्ट्रेसेस, कंक्रीट के अंदर फाइबर स्ट्रेसेस कितनी है एट ट्रांसफर एट द सेंट्रोइड ऑफ द टेंडन, की इस टेंडन के अंदर सेंट्रोइड पे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस कितनी है एट द फाइबर, यानी टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर, या सेंट्रोइड के ऊपर कितनी स्ट्रेसेस है एट द मिड स्पान ऑफ द सेक्शन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग।
एक तो आपने कॉन्क्रीट के अंदर फाइबर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है और दूसरा जो है वो हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस कैलकुलेट करना है टू द मेंबर. अज्यूम दैट द प्रियर टू ट्रांसफर द चेकिंग फोर्स ऑफ द टेंडन वाज 75% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन. कि 75% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन हमने जैकिंग फोर्स अप्लाई किया है, यानी कि इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई किया है. तो इस एग्जांपल को मजीद हम सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 15 into 30. वी हैव एरिया 30 इंचेस जो है वो डेप्थ है, 15 इंचेस विड्थ है हमारे पास, 450 इंच स्क्वायर एरिया आ गया. मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी या मोड्स ऑफ सॉरी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू बी क्यूब बाई 12. वी हैव अ वैल्यू आर स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वी हैव वैल्यू एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील इज इक्वल टू 10 बार्स. एरिया ऑफ वन बार इज इक्वल टू 1.53 इंच स्क्वायर. मोड्स ऑफ अपना इसेंट्रिक डिस्टेंस. नाउ इसेंट्रिक डिस्टेंस बेसिकली इज फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन टू द प्री स्ट्रेसिंग बार जहां से गुजर रही है, यानी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लाइन से लेके यहां तक का डिस्टेंस. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30 इंचेस का हाफ एग्जैक्टली आप सेंटर पे आ गए और सेंटर में 15 इंचेस में से आप ये 4 इंचेस माइनस कर देते हैं. तो सेंट्रिक डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2 सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन माइनस 4 इंचेस वी हैव अ कवर फॉर प्री स्ट्रेसिंग टेंडन. सो टोटल सेंट्रिक डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 इंचेस. इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल टू 75% ऑफ अल्टीमेट प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, अल्टीमेट प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस जो कि वैल्यू है बेसिकली, और एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील. सो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल टू 0.75% इनटू अल्टीमेट स्ट्रेस ऑलरेडी गिवन हेयर 270,000 psi हमारे पास वैल्यू थी और एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील हमारे पास 1.53 इंच स्क्वायर है. तमाम वैल्यूज को हमने जब पुट किया इक्वेशन के अंदर तो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स हमारे पास आ गया 309,825 पाउंड. अब आते हैं डेड लोड के ऊपर, क्योंकि हमने कैलकुलेट करने हैं कंक्रीट के फाइबर स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास डेड लोड भी चाहिए. तो डेड लोड बेसिकली इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8, यानी कि वेट जो है वो बेसिकली डेड वेट ऑफ द एलिमेंट क्रॉस सेक्शन 15 into 30 डिवाइडेड बाय 144 वैल्यूज को इंचेस का वैल्यू जो है वो उसको फिट में कन्वर्जन इनटू 150 पाउंड पर फिट क्यूब डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. एल स्क्वायर वी हैव अ लेंथ ऑफ 50 स्क्वायर फिट एंड वी हैव अ 8 कांस्टेंट हियर मल्टीप्लाई बाय 12 इज द कन्वर्जन फ्रॉम फिट टू इंचेस. And dead load movement basically is equals to 1757.813 pound inch. तो ये हमारे पास dead load movement आ गई. Now calculate the concrete fiber stress at the centroid of the section. कि initial pre-stressing force जो है वो हमारा equal consider कर रहे हैं the jacking pre-stressing force. ये हमारे दोनों values जो है वो हम equal consider कर रहे हैं यहाँ पे दोनों values. और formula जो हम पीछे discuss कर रहे हैं कि concrete fiber stress is equals to minus इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 प्लस ई स्क्वायर जो है वो हमारे पास सेंट्रिक डिस्टेंस है, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन प्लस डेड लोड मूवमेंट ई सेंट्रिक डिस्टेंस डिवाइड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी. टोटल कंक्रीट फाइबर स्ट्रेसेस हमारे पास जो दोनों वैल्यूज से हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो -1226.4 psi की वैल्यू आ गई. नाउ वी ऑल्सो हैव इनिशियल मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी. इनिशियल मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी जो SEI की रिकमेंडेड इक्वेशंस हैं 57,000 अंडर रूट FC डैश. कि हम ये इनिशियल मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जिस वक्त हमने कंक्रीट के अंदर प्री स्ट्रेसिंग डेवलप की. क्वेश्चन के अंदर क्या था कि 28 डे कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास 6,000 PSI है, लेकिन इनिशियली जब हमने प्री स्ट्रेसिंग अप्लाई की उस वक्त हमारे पास जो कंक्रीट का कंपैरेटिव स्ट्रेंथ था वो 4,500 PSI था. तो हमने इनिशियल मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया 57,000 अंडर 4,500 PSI. टोटल वैल्यू आ गई 3.824 × 10⁻⁶ PSI. Now initial modular ratio basically is equals to modulus of elasticity of the pre-stressing steel divided by initial modulus of elasticity of concrete. हमारे पास value आ गई 7.06. लेकिन 28 days की modulus of elasticity कितनी थी? Original 28 days के ऊपर comparative strength की value थी वो आ गई 4.415 × 10⁻⁶. And 28 day modular ratio basically is equals to modulus of elasticity of pre-stressing steel divided by modulus of elasticity 28 days की concrete की जो हमारे पास values थी, total 6.12 value आ गई. इन दोनों values में से जो higher value है वो हम choose करते हैं. From the equation, the loss of pre-stress due to elastic shortening basically is equals to modular ratio into concrete fiber stresses. दोनों value 7.06 into 12
26.4, तो टोटल इलास्टिक शॉर्टनिंग का जो लॉस अपियर हुआ वो हमारे पास आया 8659.2 psi। कहने का जो मकसद है बेसिकली लॉस का वो ये है कि जब हमने इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई किया, इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी 309825 पाउंड, लेकिन जो आपका लॉस आ रहा है वो 8659, यानी कि आपका जो इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस बच गया वो ये लॉस आप माइनस कर दो इसमें से, यानी कि आपको इतना प्रीस्ट्रेसिंग बेसिकली चाहिए था। आपने अगर इतना लॉस प्रोवाइड कर दिया तो आपकी जो स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट वॉज एन एग्जाम्पल, टोटल कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इन द प्रीटेंशन बीम्स, कि प्रीटेंशन बीम्स के अंदर हम किस तरह से इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग इन पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स, कि पोस्ट टेंशनिंग के अंदर हमारे इलास्टिक शॉर्टनिंग किस तरह से कैलकुलेट होता है। इन पोस्ट टेंशन बीम्स इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस वेरीज फ्रॉम जीरो, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिकली कंपेयर टू द प्री टेंशन मेंबर्स, क्योंकि प्री टेंशनिंग के अंदर आप टेंशनिंग पहले करते हो, कॉन्क्रीट बाद में फिल करते हो, कॉन्क्रीट बाद में फिल होता है, इस वजह से वो जो टेंडन होता है बेसिकली उसके सराउंडिंग में कॉन्क्रीट इटसेल्फ अच्छा एक बॉन्ड बना लेता है। उस बॉन्ड की वजह से सिवरल टाइप्स ऑफ लॉसेज जो है वो कम हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, इन टर्म्स ऑफ जो है वो बाकी अदर एलिमेंट्स हो गए, फ्रिक्शंस हो गई या एंकरेजेस हो गए। लेकिन पोस्ट टेंशन के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी चीजें यहाँ पे, इन पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस वेरीज फ्रॉम जीरो, जीरो किस वक्त होता है इफ ऑल टेंडन्स आर जैक्ट साइमल्टेनियसली, कि इलास्टिक शॉर्टनिंग बिल्कुल नहीं होती अगर आप कम से कम तमाम जो टेंडन्स उसके अंदर आपने जितने प्रोवाइड किए हैं वो एक ही वक्त के ऊपर आप उनके अंदर टेंशनिंग जनरेट करो, और 0 to 1/2 यानी 50% द वैल्यू कैलकुलेट इन द प्रीटेंशन केस, ये आपका 0 से लेके 50% ऑफ द प्रीटेंशनिंग के अंदर जो लॉसेस अपीयर हुए उस तक वैल्यू वेरी कर रही होती है जैकिंग स्ट्रेसेस के हिसाब से। अब लेट सपोज, अब हमारे पास कंसीडर हम कर रहे हैं सच एज जैकिंग 2 टेंडन्स एट अ टाइम, अब अगर हम प्री स्ट्रेस प्रीटेंशनिंग के केस के अंदर 2 टेंडन्स को हम एट अ टाइम खींच के जो डेवलपमेंट डेवलप कर रहे हैं, जो प्रीटेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग जो डेवलप कर रहे हैं उसकी वजह से जो प्रीटेंशनिंग के अंदर लॉसेस आते हैं, यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग के अंदर उसका 50% तक लॉसेज आने के चांसेज हैं, लेकिन 0 से लेकर 50% के दरमियान वेरी कर रही होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जैकिंग्स आ गई, नंबर ऑफ इटरेशन आ गए, कितनी लेवल्स के अंदर आप प्रीटेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग प्रोवाइड कर रहे हो मेंबर्स के अंदर, इफ एन इज द नंबर ऑफ टेंडन्स और पेयर्स ऑफ टेंडन सिक्वेंशियली टेंशन, कि आप 10 टोटल आपकी बार्स थी, दो बार्स आपने एक वक्त के सबसे पहले जो है वो आपने प्रोवाइड की उनके अंदर टेंशनिंग, उसके बाद 2 मजीद बारों को आपने टेंशनिंग किया, उसके बाद आपने 2 और बार्स को सिलेक्ट, यानी कि 5 पेयर्स के अंदर उन 10 बार्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो हेयर वी हैव अ प्री टेंशनिंग और पोस्ट सॉरी इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इन पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1/n, n बेसिकली इज द नंबर ऑफ टेंडन्स और पेयर्स, j इज द जैकिंग स्ट्रेसेस, एंड वी हैव जो है वो आपकी स्ट्रेसेस आ जाती हैं ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन द पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स, वेयर j डिनोट्स द नंबर ऑफ जैकिंग ऑपरेशंस। नोट दैट द टेंडन दैट वाज टेंशन्ड लास्ट डज नॉट सफर एनी लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, कि जितने आपके पास टेंडन्स हैं पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर, अगर आप सब ज्यादा जो पूरे के पूरे कंप्लीट जो टेंडन्स है एट अ टाइम एक ही वक्त के ऊपर अगर आप टेंशनिंग जनरेट कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो लॉसेस हैं वो 0 होते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग के, और अगर आप पेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हो तो आपके तमाम जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं या फर्स्ट जो पेयर्स हैं उनके अंदर आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग के लॉसेज के अपीयर होने के चांसेज हैं, लेकिन जो लास्ट पेयर रह जाता है उसके अंदर आपके इलास्टिक चांसेस जो है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग के नहीं होते इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग एलिमेंट्स। अब ये किस तरह से है मजीद आपको सारी चीजें जो है इस एग्जांपल के अंदर क्लियर हो जाएंगी। कंसीडर द सेम प्रीवियस एग्जांपल, अब प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो सारी डिटेल्स हैं हम उनको सेम कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि इफ द बीम इज पोस्ट टेंशन एंड द प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन इज सच दैट, कि लेट सपोज हमारे 2 टेंडन्स जो है वो एट अ टाइम हम जैकिंग अप्लाई कर रहे हैं, यानी टोटल 10 टेंडन्स लगे हुए थे, हम 2-2 करके तमाम जो टेंडन्स हैं उनको हम पोस्ट टेंशनिंग अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे केस के अंदर 1 टेंडन इज जैक एट अ टाइम,
पहले केस के अंदर दो टेंडेंट्स को हम कर रहे हैं पोस्ट टेंशन, दूसरे केस के अंदर हम एक एक करके पोस्ट टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, और तीसरे केस के अंदर तमाम टेंशन जो एलिमेंट्स हैं 10 के 10 प्रीस्ट्रेसिंग टेंडेंट्स को हम एक ही वक्त के ऊपर टेंशनिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों केसेस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या फर्क आता है, एज वी हैव सॉल्वड इन अवर प्रीवियस एग्जाम्पल कि इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेज हमारे पास कितने आए जो इन प्री टेंशन एलिमेंट्स, वी गॉट 8659.2 PSI जो प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ अब हमारा पहला जो केस था, केस वन क्या कहता है, टू टेंडन्स आर जैक्ट एट अ टाइम, कि दो टेंडन को हम दो टेंडन करके हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब क्लियरली इस केस के अंदर क्या था कि हमारे पास जो पोस्ट टेंशनिंग मेथड है वो क्या कहता है कि जितने भी पेयर्स के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एलिमेंट को, जो सबसे लास्ट पेयर है उसके अंदर कोई भी इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस अपीयर नहीं होगा। क्लियरली मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड्स एज पर स्पेसिफिकेशंस द लास्ट टेंडन सफर्स नो लॉस ड्यू इलास्टिक शॉर्टनिंग, सो ओनली फर्स्ट फोर पेयर्स हैव लॉसेस विद द फर्स्ट पेयर सफरिंग द मैक्सिमम लॉस ऑफ 8659.2 PSI। कि जो लॉसेस हमने प्री टेंशनिंग के केस के अंदर कैलकुलेट किया टोटल, यहां पे जो आपका पहला पेयर है वो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसेस को फेस करेगा इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेस को, वो आपकी वही वैल्यू होंगी जो प्री टेंशनिंग केस के अंदर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा है। तो फर्स्ट पेयर आपका मैक्सिमम सफर कर रहा है, लास्ट पेयर आपका जीरो वैल्यू सफर कर रहा है। फ्रॉम द सजेस्टेड इक्वेशन द लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन पोस्ट टेंशन बीम बेसिकली इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास लॉस इन द पोस्ट टेंशनिंग एलिमेंट्स ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इज इक्वल्स टू, हमारे पास टोटल पेयर कितने थे, पांच पेयर्स थे, लास्ट पेयर के अंदर कोई रिजल्ट्स की जो इलास्टिक शॉर्टनिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं है, हमने चार पेयर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4 by 4 + 3 by 4, चार चार के चार आ गए आपके पास यहां पे टेंडन, चार पेयर आ गए टोटल आपके, जो पांच थे उसमें से एक खत्म हो गया हमारा, जिसकी वजह से कोई भी लॉसेस जनरेट नहीं हो रही। चार आउट ऑफ चार पेयर, 3 out of 4 pair, 2 out of 4 pair, 1 out of 4 pair, divided by total we have 5 pairs into total जो pre-stressing stress, जो pre-tensioning case के अंदर जो आपकी stresses develop हुई जो last example के अंदर हम already discuss करा है, ये values हमने multiply की, total values 10 divided by 20 and into जो आपकी pre-tensioning case के अंदर जो elastic stresses develop हुई elastic shortening की, वो हमने values से multiply किया, total हमारे पास value आ गई 4330 PSI। यानी अगर आप दो दो टेंडन करके आप जो है वो पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब सेकंड केस के अंदर क्या है, वन टेंडन इज जैक एट अ टाइम, अब वन टेंडन अगर आप एक एक करके पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो टोटल आपके जो है वो 10 पेयर्स बन गए। अब 10 पेयर्स बन गए तो सबसे लास्ट जो है उसके अंदर कोई भी प्रीटेंशनिंग का इफेक्ट नहीं है इलास्टिक शॉर्टनिंग का, तो रिमेनिंग हमारे पास 9 बच गए। तो यहां पर हमने क्या किया, 9 by 9 + 8 by 9 + 7 by 9 + 6 by 9 + 5 by 9 + 4 by 9 + 3 by 9 + 2 by 9 + 1 by 9, कंटिन्यू सम ऑफ प्रीवियस इक्वेशंस में आप चेक करके आ सकते हैं कि वी हैव फार्मूला, फार्मूले के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या थी, सम ऑफ ऑल जितने आपके पास टोटल जो पेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनको तमाम को हमने सम करना है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय टोटल पेयर्स थे हमारे पास 10 इंटू टोटल जो प्रीटेंशनिंग के केस के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से वो स्ट्रेसेस आ गई, टोटल जब आपने सॉल्व किया सिक्वेशन को आपके पास वैल्यू आ गई 4330, अगेन सेम वैल्यू। इन बोथ केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि इन बोथ केसेस द लॉस इन प्रीस्ट्रेसिंग इन द पोस्ट टेंशन बीम इज हाफ दैट ऑफ द प्री टेंशन बीम, कि पोस्ट टेंशनिंग के अंदर इलास्टिक शॉर्टनिंग के जो लॉसेस हैं वो 50% होते हैं, मैक्सिमम 50% तक होते हैं कंपेयर टू द प्री टेंशन एलिमेंट्स। अब यहां पे अगर आप थर्ड केस के अंदर ऑल बीम्स आर साइमल्टेनियसली टेंशन, अगर आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो, देन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सम ऑफ ऑल द इलास्टिक शॉर्टनिंग फोर्सेज या इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एट अ टाइम आप तमाम जो है वो बार्स को पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिस वजह से जो है वो टेंशनिंग इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस जो है वो जीरो होता है। तो ये था हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन एलिमेंट, और पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग इन द टर्म ऑफ प्री टेंशन बीम। तो दोनों के अंदर हमारे पास फर्क है थोड़ा सा मेथड को यूज करने का, हमारे पास आगे बेसिक इक्वेशंस भी हैं, बेसिक मेथड्स भी हैं, हम ओवरऑल कम्युलेटिव तमाम के तमाम लॉसेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमने जस्ट इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ प्री टेंशन बीम एंड इन टर्म्स ऑफ पोस्ट टेंशन बीम। नाउ वी हैव एन स्टील स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्टील रिलैक्सेशन क्या होती है बेसिकली, relaxation basically is the reduction in stress with time at a constant strain.
स्टील के अंदर, स्टील इज लाइक अ रबर, एक एक मटेरियल होता है ना, रबर को आप खींच के रखो या एक रस्सी को आप खींच के रखो, एक बांध दो दोनों एंड्स के ऊपर, समहाउ एक इटसेल्फ मटेरियल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टेंट लोडिंग, मटीरियल के अंदर एक खिंचाव डेवलप होता है. डिक्रीज इन स्ट्रेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू इन इलास्टिक स्ट्रेन अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेन. अब परसेंटेज रिलैक्सेशन नॉर्मली हम कितनी प्रोवाइड करते हैं स्टील के अंदर, वो 1 to 5% तक जो है वो स्टील रिलैक्सेशन डेवलप होती है एक स्टील टेंडन या बार के अंदर. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द रिलैक्सेशन? नंबर वन इज द टाइम. टाइम इट्स एक पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. जितना आपने अप्लाई किया आज, जो अप्लाई किया है तो कितने सालों के बाद जो है वो एक स्टील के अंदर रिलैक्सेशन डेवलप होती है. And then we have initial stresses, temperature, types of steel also. तो ये तमाम factors हैं कि steel किस material का बना हुआ है, किसके कितनी उसके ऊपर loading apply हो रही है, कितना time और with respect to the temperature वो किस तरह से fluctuate कर रहा है material के अंदर की properties. The magnitude of the decrease in the pre-stress depends not only on the duration of the sustained pre-stressing force but also on the ratio. एक रेशो बेसिकली के इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग क्या थी और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन क्या थी, इन दोनों के दरमियान एक रेशो ड्रॉप होता है. उस रेशो को बेसिकली हम रिलैक्सेशन लॉस या स्टील रिलैक्सेशन या स्ट्रेस रिलैक्सेशन कंसीडर करते हैं. द एसीआई को लिमिट्स द टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन्स, के प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन के अंदर समहाउ हमारे पास स्टील रिलैक्सेशन की वजह से कोर्स कहते हैं कि आपने एक प्रॉपर फोकस अटेंशन के साथ आपने चूज करना है मटीरियल्स को. फॉर स्ट्रेसेस ड्यू टू टेंडन जैकिंग फोर्स, जैकिंग फोर्स जो है वो आपका कम से कम आप प्रोवाइड कर सकते हो अराउंड 94% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील प्री स्ट्रेसिंग स्टील, या इट मस्ट बी लेसर देन द 80% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द स्टील. या तो आप 80% जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके अंदर प्ले करो, या जो है वो 94% ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन आप तक, उस वक्त जो 94% ऑफ दैट यील्ड स्ट्रेंथ आप एक लेवल फिक्स कर दो प्री स्ट्रेसिंग की. एंड द मैक्सिमम वैल्यू रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, या तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मैन्युफैक्चरर और कोर्ट्स या जो आपके डेवलपर्स हैं वो आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं कि इतना इस स्टील के अंदर आप मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करो प्री स्ट्रेसिंग की, अदरवाइज जो है वो स्टील के अंदर रिलैक्सेशन डेवलप हो जाएगी. And secondly, immediately after pre-stressing transfer, आप initial pre-stressing up to 82% of the yield stress, but not up to 74% of the ultimate stress. Immediate losses से बचने के लिए आप up to 74% of the ultimate stress तक game या अपने level of pre-stressing को provide करो, otherwise जो है वो आपके अंदर, आपके member के अंदर steel relaxation develop हो जाएगी. और इसी तरह से उन्होंने पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स के लिए भी, कपलर्स के लिए भी 70% सजेस्ट किया है. द वैल्यूज बेसिकली या रेंजेस जो सजेस्टेड हैं प्री स्ट्रेसिंग यील्ड स्ट्रेंथ की, वो प्री स्ट्रेसिंग बार्स के लिए 80% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेस रिलीव टेंडन्स के लिए 85% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं, उसके बाद लो रिलैक्सेशन स्टील के लिए 90% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं. तो सजेस्टेड रेंजेस है, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि स्टील रिलैक्सेशन वैल्यूज अराउंड 1 to 5% के दरमियान जो है नॉर्मली स्टील के अंदर डेवलप होती ही होती है स्टील रिलैक्सेशन. तो कोर्स कहते हैं कि अराउंड जब आप एक डिजाइन करने लगे हो तो सर्टेन लिमिट्स को फॉलो करो. अराउंड 80, कोई कहता है कि 80% तक आप जाओ अल्टीमेट स्ट्रेस के, कोई कहता है 74% तक आप प्रोवाइड करें, कोई कहता है कि 82% आप यील्ड स्ट्रेंथ तक आप प्रोवाइड करें. तो हमें एक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस उन कोर्स को फॉलो करते हुए हमें एक प्रॉपर लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी लॉसेज हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टील रिलैक्सेशन, उनकी वजह से जो हमारा इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस है वो इतना ज़्यादा रिड्यूस या डैमेज ना हो, इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अचीव कर सके. तो उसके लिए हमारे पास जो है वो वेरियस इक्वेशन सजेस्ट की गई कि प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेज ड्यू टू स्टील रिलैक्सेशन और इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस या इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग का जो रेशियो है 1 - log विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम्स के अंदर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू आवर्स के अंदर प्ले करता है इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग. इसी इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशंस की गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फाइनल जो इक्वेशन डेवलप की गई कि इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग ड्यू टू स्टील रिलैक्सेशन के जो लॉसेज हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग लॉग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय 10, इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील -0.55.
अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर सॉल्व करने के लिए, सारी चीजें जो छोटी मोटी कंफ्यूजन हैं वो हम एक डिजाइन एग्जांपल करते हैं स्टील रिलैक्सेशन का, जिस तरह से हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग का किया, तो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। इवन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, कर्टेसिया पोस्ट टेंशनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे पास एक चार्ट भी गिवन है कि एफ पी इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग या टोटल प्रीस्ट्रेसिंग डिवाइड बाय इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो लॉसेस जनरेट होती हैं स्टील रिलैक्सेशन की, वो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए किस तरह से एलिमेंट को हम डिजाइन करते हैं, हमारे अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए हम एक डिजाइन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, उसके अंदर आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिजाइन एग्जाम्पल हियर, फाइंड द रिलैक्सेशन लॉस इन प्रीस्ट्रेस। प्रीस्ट्रेसिंग एलिमेंट के अंदर रिलैक्सेशन लॉस आपने कैलकुलेट करना एट द एंड ऑफ 5 years। लेट सपोज हमने जब मेंबर बनाया उसको 5 साल हो चुके हैं, अब स्टील रिलैक्सेशन की वजह से 5 साल के बाद कितने लॉसेज उसके अंदर जनरेट होंगे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर जो आपके पास जो डेटा था वो हम वहां से ही वही डेटा हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हम स्टील रिलैक्सेशन के लॉसेज को फोकस करना है। अज्यूमिंग दैट the relaxation loss from jacking to transfer, from elastic shortening, from long term creep and shrinkage over this period in 5 saalon ke andar jo in tamam cheezon ka cumulative elastic shortening ka, long term drying shrinkage and drying shrinkage and creep ka jo losses hain, elastic shortening ke jo losses hain aur relaxation ke losses jo cumulative hain 5 saalon ke andar, wo around 20% of the initial pre-stressing hai। Also assume that the yield strength of the pre-stressing steel bar is equals to 230,000 psi। बाकी जो डेटा है वो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए, वहां से हम कलेक्ट करते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल टू जैकिंग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स माइनस जो आपके स्टील रिलैक्सेशन की जो स्ट्रेसेस हैं। हमने यहाँ पे सिंपली ये कंसिडर किया है कि हम जो हमारे पास जैकिंग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एग्जाम्पल 1 के अंदर प्री टेंशन एलिमेंट के अंदर जो हम डिस्कस कर रहा है कि जैकिंग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स या अल्टीमेट स्ट्रेसेस जो हैं स्टील टेंडर की, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बेसिकली वो 270,000 थी, हम उसका 75% जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 0.75 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज इक्वल टू इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस या इनिशियल प्रीस्ट्रेस। तो इनिशियल प्रीस्ट्रेस हमने इस फॉर्मूले को इग्नोर किया क्योंकि हमारे पास ये चीजें नहीं है, या तो हम लॉसेस को कंसीडर करें और जैकिंग फोर्स हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ होना चाहिए, हमारे पास जैकिंग फोर्स भी नहीं है और लॉसेस ड्यू टू स्टील रिलैक्सेशन नहीं है। हमने क्या कंसीडर किया कि इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बार थी वो अराउंड 270,000 थी, उसका 75% हम प्रीस्ट्रेसिंग इनिशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग इज इक्वल टू 75% इनटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ of the pre-stressing tendon is equals to 2025,500 psi। ये हमारे पास initial pre-stress की value आ गई। Now the reduced stress for calculating the relaxation loss basically कि total जो losses थे steel relaxation, elastic shortening, creep and shrinkage की वजह से जो total losses थे वो 20% थे। टोटल लॉसेस 20% थे, हमारे पास जो 1 यानी 100% उसमें से हमने 20% माइनस कर दिया कि टोटल जो रिड्यूस्ड स्ट्रेसेस बच गई वो हमारे पास रिड्यूस्ड स्ट्रेसेस इनिशियल स्ट्रेसेस इक्वल्स टू 20% हमने डिडक्ट कर दिया, 1 माइनस 20% इनटू इनिशियल प्री स्ट्रेस। ये आपके पास रिड्यूस यानी कि जो हमारा इनिशियल प्री स्ट्रेस था उसमें से हमने टोटल जो स्ट्रेसेस थी रिलैक्सेशन की, टोटल स्ट्रेसेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ पे 20%, इलास्टिक शॉर्टनिंग क्रीप एंड श्रिंकेज की वजह से जो 5 सालों के अंदर जो लॉसेज डेवलप हुए वो हमने डक कर दिए, टोटल 80% पीछे इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग बच गया, वो हमारे पास इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग का हमने 80% कंसिडर किया, 162,000 psi बच गई वैल्यू हमारे पास। द ड्यूरेशन ऑफ द स्टील रिलैक्सेशन प्रोसेस कि 5 साल की जो ड्यूरेशन थी 5 years into 365 days into 24 hours कि स्टील रिलैक्सेशन हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं जब हम डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, लॉग टाइम, टाइम इज ऑलवेज मेंशन्ड इन आवर्स, आवर्स के अंदर हम टाइम को कंसीडर करते हैं, सो देयरफॉर वी हैव अ 5 years हियर, 5 साल थे, 365 डेज इंटू 24 आवर्स, हमारे पास टोटल 44,000 आवर्स बन गए। सो देयरफॉर स्टील रिलैक्सेशन लॉस stresses is equals to initial stresses, reduced stresses हमारे पास into log t with respect to time divided by 10, initial stresses divided by yield stress of the pre-stressing bar minus 0.55, जो equation हम already यहाँ पे discuss कर रहा है, ये वाली equation हमने use करनी है। तो इस equation को हमने जब use किया तमाम values हमारे पास हैं, 162,000 initial pre-stressing force है, log t
log जो है वो time 44,000 divided by 10 initial pre-stress और yield stress हमें question के अंदर given है, yield pre-stressing की value हमें given है, सारी values हमने put की, तो जो pre-stressing steel का जो relaxation loss है वो हमारे पास आ गया 11,606 psi। अब अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस एग्जांपल के साथ, वहां पे हमारे पास अराउंड 8,000 का लॉस जो है वो डेवलप हो रहा था सिर्फ प्लास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से, यहां पे आपके पास 11,600 का लॉस डेवलप हो रहा है स्टील रिलैक्सेशन की वजह से। टोटल इनिशियल जो प्रीस्ट्रेस है वो बेसिकली 200,000 है, और 200,000 में से आपका 20,000 जो है वो इन दोनों लॉसेस की वजह से रिड्यूस हो गया, आपके ओवरऑल मेंबर की जो परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। तो लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग इन लॉसेस को कंसीडर करते हुए इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जब आप किसी भी मेंबर को एनालाइज या डिजाइन करने लगते हैं तब। नाउ वी हैव अ क्रीप लॉस। अब क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट बेसिकली इज अ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। क्रीप और श्रिंकेज बेसिकली आर एक किस्म का सिमिलर मैकेनिज्म है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू एनवायरमेंट जो है वो कॉन्क्रीट के अंदर मॉइस्चर मूवमेंट की वजह से एक डिफॉर्मेशन आती है। लेकिन श्रिंकेज बेसिकली जो है वो ओनली मॉइस्चर मूवमेंट की वजह से होता है, और क्रीप जो है वो अंडर कॉन्स्टेंट लोडिंग की वजह से विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट मॉइस्चर मूव कर जाए और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफॉर्मेशन डेवलप हो, दैट डिफॉर्मेशन बेसिकली इज नोन एज अ क्रीप डिफॉर्मेशन। द कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट विद टाइम अंडर सस्टेन लोड। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये एलिमेंट यहाँ पे आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग मेंबर आपका स्ट्रेट था, प्री स्ट्रेसिंग की वजह से मेंबर थोड़ा सा शॉर्टन हो गया, यहाँ पे आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं और मेंबर आपका कंप्रेस हो जाता है और इसकी वजह से थोड़ी सी रिडक्शन आ जाती है। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अंडर कॉन्स्टेंट लोड इज कंसिडर एज अ क्रीप ऑफ द कॉन्क्रीट। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रीप? क्रीप और श्रिंकेज को ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम श्रिंकेज को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो श्रिंकेज और क्रीप जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म्स हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्टर्स हैं जो दोनों चीजों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट, नंबर वन एज, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट कहलाती है। एज इज अ टाइम। अप्लाइड स्ट्रेस लेवल, अप्लाइड स्ट्रेसेस जो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही है मेंबर के अंदर, सस्टेन लोड है, डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट इटसेल्फ, सीमेंट कंटेंट इन द कॉन्क्रीट, सीमेंट कंटेंट क्योंकि असल में होता यह है कि कॉन्क्रीट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द मॉइस्चर मूवमेंट एक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन होती है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन एग्रीगेट के अंदर नहीं होती, अगर एग्रीगेट के अंदर होती तो तमाम एग्रीगेट जो है वो आपके इस वक्त जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, पहाड़ हैं सारे, वो तमाम जो है वो मॉइस्चर मूवमेंट या उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उनके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ जाता। यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस ज़्यादातर जो अपियर होता है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर होता है, तो इस वजह से सीमेंट कंटेंट एक रोल प्ले कर रहा होता है एक क्रीप की वैल्यू के लिए। अदर फैक्टर्स आर वाटर सीमेंट रेशियो। अब ये जनरल स्टेटमेंट है बड़ी, मैं आपको ऑलरेडी आई थिंक बता आया हूँ लास्ट क्लासेस के अंदर कि वाटर सीमेंट रेशियो उस वक्त इंपॉर्टेंट है जब आप एक कंक्रीट को फ्रेश स्टेट के अंदर बना रहे हो, इट विल बी कंसिडर एज अ फ्रेंड ऑफ कंक्रीट। लेकिन जैसे ही कंक्रीट बन चुका, उसने अपनी स्ट्रेंथ कंक्रीट अचीव कर ली कंक्रीट ने, वाटर इज नो मोर फ्रेंड ऑफ कंक्रीट, वो एक डेंजरस बन जाता है कंक्रीट के लिए, उसके अंदर पोरोसिटी डेवलप हो जाती है, परमियबिलिटी कंक्रीट को अंदर डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन वी हैव अ टेम्परेचर। तो ये सात डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि आपकी ओवरऑल क्रीप को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और इसी की बेस के ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के अंदर किए गए, एंड लैटरल फ्लो और लैटरल डिफॉर्मेशन ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस इज नोन एज अ क्रीप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सस्टेन लोडिंग। तो दुनिया के जो वेरियस 50 सालों तक जो है वो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते रहे, और जो नाम दिया गया इस मैकेनिज्म को, दैट नेम बेसिकली इज नोन एज अ क्रीप ऑफ कंक्रीट। इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट द क्रीप स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस लॉसेस रिजल्ट ओनली फ्रॉम द सस्टेन लोड्स ड्यूरिंग द लोडिंग हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कि तमाम जो लोड्स अप्लाई हो रहे हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के ऊपर, ये क्रीप का जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो एक मेंबर्स के अंदर एक लॉसेस जनरेट कराते हैं। उसके बाद क्रीप की वजह से वैल्यूज ऑफ सी हमारे पास डिफरेंट कोर्स की वजह से, पोस्ट टेंशनिंग इंस्टीट्यूट की वजह से वैल्यूज रिकमेंडेड हैं कि इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग डिवाइड बाय अल्टीमेट प्रीस्ट्रेसिंग वैल्यू, उसके बाद स्ट्रेस रिलीफ टेंडन्स के अंदर वैल्यूज किस तरह से डेवलप होती हैं, स्ट्रेस रिलीफ बार्स के अंदर किस तरह से डेवलप होती हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड्स और कोर्स की गाइडलाइंस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो शेयर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे किए थे उनके अंदर तमाम चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं, ये चार्ट्स वगैरह टेबल्स वगैरह वहीं से लिए गए हैं।
यहाँ पे चार्ट टेबल को शो कराना, हमारा जो एग्जाम्पल है, डिजाइन एक्सप्लेनेशन है, वो बेसिकली थ्योरेटिकली या एनालिटिकली एक्सप्रेशन से हमने कैलकुलेट करना है। टेबल्स के अंदर से भी आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस डिजाइन के अंदर हमने टेबल से वैल्यू नहीं लिए हुए, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज आपको यहाँ पे वैल्यूज में दिखा रहा हूँ। देन वी हैव अ क्रीप कोफिशिएंट, एंड क्रीप कोफिशिएंट्स बेसिकली आर डिपेंडिंग ऑन द टू मेजर एलिमेंट्स। नंबर वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द मटीरियल एंड सेकंड इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कि जिस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दोनों चीजें जो है वो क्रीप के अंदर और श्रिंकेज के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 4000 PSI से कम है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% है, तो उस केस के अंदर क्रीप कोफिशिएंट जो हम डिजाइन करते हैं क्रीप के अंदर, वो 1 to 2% कंसिडर होता है। और इसी के अंदर अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, तो क्रीप कोफिशिएंट जो है वो डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 to 4 के दरमियान आप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे होते हो। अगर आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 4000 से ज्यादा है PSI में, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर आप वैल्यू 0.7 से लेके 1.5 तक क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू चूज कर रहे होते हैं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 50% है, तो 1.5 से लेके 3 तक आपकी जो है वो क्रीप कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही होती है। नाउ क्रीप कोफिशिएंट स्ट्रेस इज इक्वल टू क्रीप कोफिशिएंट इनटू स्ट्रेंथ ड्यू टू क्रीप एंड देन वी हैव अ मोडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल। कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगेन दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके स्टील के जो ग्रेड्स हैं, टेंडन्स हैं, स्ट्रेंड्स हैं, वायर्स हैं उनके लिए, टाइप ऑफ द टेंडन मटीरियल्स हैं, एंड वैल्यूज ऑफ KRE बेसिकली आर डिपेंडिंग ऑन द क्रीप की जो वैल्यूज हैं हर मटीरियल के लिए, वो डिपेंडिंग किस तरह से करनी होती है। यहाँ पे आपके पास एक लमसम वैल्यूज गिवन है स्टैंडर्ड्स की तरफ से, लेकिन जो हमारा डिजाइन एग्जाम्पल है हम उसके अंदर अगेन एज ऑलरेडी मेंशन कि हम अपनी वैल्यूज जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव अ क्रीप लॉस, सिंस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ड्यू टू क्रीप इज एसेंशियली लीनियर, इट इज फीजिबल टू रिलेट द क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन। कि क्रीप स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन का एक कम्युलेटिव जो है वो रिलेशन बनाया गया, जिस तरह से आपने इलास्टिक शॉर्टनिंग की स्ट्रेन डेवलप की ऑलरेडी आप डिस्कस करा है पीछे, यहाँ पे जो है वो क्रीप कोफिशिएंट CU इज इक्वल्स टू क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, इनका एक लीनियर रिलेशनशिप है, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मजीद एक टाइम का इफेक्ट भी आ जाता है, क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास टाइम का एक लॉग फॉर्म में आ गया और क्रीप कोफिशिएंट वैल्यू आ गई। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यूज 2.2 एंड 4 के दरमियान वेरी कर रही होती हैं और 2.35 जो है वह हम एवरेज वैल्यू चूज कर रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। एंड देन वी हैव द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट बेसिकली रेंजेस बिटवीन 2 एंड 4 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ 2.35 फॉर अल्टीमेट क्रीप हैज बीन चूजन। द लॉस इन द प्रीस्ट्रेस मेंबर्स ड्यू टू क्रीप कैन बी डिफाइंड फॉर द बॉन्डेड मेंबर्स एज क्रीप लॉस इज इक्वल्स टू क्रीप कोफिशिएंट modulus of elasticity of the pre-stressing tendon divided by modulus of elasticity of concrete into the जो आपके stresses into the concrete, where FCS basically is the stress in the concrete at the level of centroid of the pre-stressing tendon. In general, this loss is a function of the stress in the concrete at the section being analyzed. In post-tension members, non-bonded members, basically the loss can be considered essentially uniform along the whole span. Hence, an average value of the concrete stress between the anchorage points can be used for calculating the creep in post-tension members. उसके बाद हमारे पास creep के मजीद coefficient की equations हैं, KCR, modulus of elasticity for the pre-stressing steel, while modulus of elasticity for the concrete into FCS bar, FCS D bar. FCS basically आपकी stress in concrete at the level of steel at the center of gravity immediately after transfer कहलाता है। उसके बाद जो है FCS bar basically is due to the superimposed loads and is the modular ratio, और यही equations बाद में modify करके हमने जो है वो अपने equations वगैरह जो हम अपने analyze करते हैं designs को उनके लिए हम utilize करते हैं। इवन इन द केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हम ये इक्वेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लाइटवेट केस के अंदर जाते हो तो KCR की जो वैल्यू है बेसिकली KCR 2 वैल्यू फॉर द प्री टेंशन मेंबर एंड 1.6 फॉर द पोस्ट टेंशन मेंबर बोथ मेड ऑफ नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट, इसकी जो वैल्यूज है वो 20% आप रिड्यूस कर देते हैं इन द केस ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट। अब हमारे पास जो जो थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया उसके अंदर जो भी छोटी मोटी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी आपकी यहाँ पर डिजाइन एग्जांपल्स के अंदर क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल हियर, कंप्यूट द लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल वन हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए किया था फॉर प्री टेंशन मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ द डेटा उसी एग्जाम्पल से कनेक्टेड है।
एग्जाम्पल आपका मेजर एग्जाम्पल वही है जो डेटा है, हर हर प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस के लिए हम डेटा वहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारा वही है, यहाँ पे हमने क्या करना है उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने कुछ डिटेल्स और ऐड की हैं। कंप्यूट द लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप लॉस हमने कैलकुलेट करना है। इस केस के अंदर हमारे पास सुपर इम्पोज लोड है जो कि बीम का अपना सेल्फ वेट को छोड़ के उसके अलावा जो एक सुपर इम्पोज डेड लोड एक्ट कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी 375 पाउंड पर फिट है। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द क्रीप लॉसेस। नंबर वन, एट फुल कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट बेसिकली इज इक्वल टू 57,000 अंडर रूट एफ सी डैश जो कि एफ सी डैश बेसिकली आपकी 6,000 PSI है जो हम लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कराए लास्ट एग्जाम्पल के अंदर। जब हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट की वैल्यू इज 4.415 × 10⁶ PSI। मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील डिवाइडेड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर वैल्यूज डिस्कस कराए हैं, 27 × 10⁶ डिवाइड बाय 4.415 × 10⁶। वी हैव मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू 6.12 एंड डेड लोड मूवमेंट इज इक्वल टू 375 एल स्क्वायर 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू कन्वर्जन इंटू इंच। वी हैव अ मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड द सुपर इम्पोज लोड इज इक्वल टू 1406 250 pound inch। सो प्री स्ट्रेसिंग की जो एफ सी बार है बेसिकली एफ एस बार इज इक्वल टू डेड लोड मूवमेंट इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस डिवाइड बाय मॉडुलस जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास एफ सी बार इज इक्वल टू 458.3 PSI। और प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट की थी एफ सी एस बेसिकली कॉन्क्रीट के अंदर जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट की थी वो 1226.4 थी। नाउ फॉर द नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट जो हमारे पास के सी आर फैक्टर है इज इक्वल टू क्रीप फैक्टर जो कि है कॉन्स्टेंट फैक्टर इज इक्वल टू 2 फॉर द प्रीटेंशन बीम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमने जनरल इक्वेशन को चूज किया, तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया तो क्रीप की वजह से जो लॉसेस आ रही हैं डेवलप हो रही हैं वो 9,401.5 PSI की वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां तक जो है वो तमाम हमने तीन मेजर जो लॉसेस हैं वो हमने डिस्कस किए। इलास्टिक शॉकिंग लॉस था उसको इन टर्म्स ऑफ प्री टेंशनिंग, इन टर्म्स ऑफ पोस्ट टेंशनिंग हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टील रिलैक्सेशन लॉस आ गया, उसके भी हमने डिजाइन एग्जांपल पढ़े हो, थ्योरेटिकली बैकग्राउंड डिस्कस किया। देन वी डिस्कस अबाउट द क्रीप लॉसेस कि क्रीप लॉस किस तरह से जनरेट होता है और क्रीप के अंदर जो है वो हम डिजाइन किस तरह से सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग टाइप्स ऑफ लॉसेज सच एज श्रिंकेज है, एंकरेज लॉसेज हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ असाइनमेंट नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज पार्शियल लॉस इन प्री स्ट्रेस या प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस क्या होती हैं, एंड इन एडिशन डिफाइन द टाइप्स ऑफ लॉसेस अकर इन द प्री स्ट्रेस मेंबर जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तीन टाइप्स उनको डिफाइन करना है, नॉट गो इन टू द डिटेल, उनको जस्ट डिफाइन करना है। प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ओवरऑल प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज हैं उसके जो फ्लो चार्ट्स हैं वो आपने प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज के अंदर बता दिए। यहाँ पे आपने बाकी जो उसके टाइप्स हैं तीन हमने डिस्कस किए, इलास्टिक शॉर्टनिंग हो गया, स्टील रिलैक्सेशन हो गया, क्रीप लॉसेज हो गए, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। इन सेकंड डिजाइन द एग्जांपल्स फॉर प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग स्टील रिलैक्सेशन एंड क्रीप एज डिस्कस्ड इन द स्लाइड्स। जो हमने चार एग्जांपल डिस्कस किए, दो इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए, एक स्टील रिलैक्सेशन के लिए और एक क्रीप के लिए, जो हमने तीन चार डिजाइन एग्जांपल सॉल्व किए हैं उनको आपने रीराइट करना है दोबारा अच्छे तरीके से समझ के रीराइट करना है ताकि अपकमिंग क्लासेस के अंदर जब हम एडवांस मेथड्स को डिस्कस करें डिजाइन करें तो वहाँ पे हमारे पास जो लॉसेज हैं वो लॉसेज आपके क्लियर होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।